हाय हाँ फ्रेंड्स, ठीक आज हम है। लोग जा रहे हैं डेंटल क्लिनिक में, क्योंकि मेरा जो हाँ दांत है उसका ट्रीटमेंट चालू था। तो वो रूट कैनल किया था, बट जब मेरा प्रेगनेंसी पीरियड था तो वो बीच में रुक गया था। तो उसके बाद में मैंने चालू किया और फिर 3 मंथ्स का था बेबी, तभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया था। और वो जब स्टार्टिंग में, मतलब 1.5 साल पहले जब रूट कैनल हुआ रहे थे, तो उसमें जो फाइल रहता है पिन, मतलब डॉक्टर का, वो अटक गया था। तो वो स्टेरिलाइज था, बट फिर भी मुझे ऐसा पेन हो रहा था। तो फिर हम लोग ने अभी डेंटिस्ट चेंज किया है दूसरा, तो दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अभी मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, थोड़ा हिम्मत करके, कि मुझे अभी करना ही नहीं है रूट कैनल वापस, मुझे वो दांत निकाल ही देना है। तो फिर अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और ये सब हम लोग ने थोड़ा सा व्यू के लिए निकाला था। और अभी वो डेंटिस्ट ने भी, मतलब वो बोल रहे थे कि वापस एक बार रूट कैनल फाइनल में अच्छे से करके देता हूँ, बट मुझे अभी इतना सारा पेशेंस है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा इन्फेक्शन मुझे लग रहा है बार बार हो रहा है, और हर मंथ में इन्फेक्शन हो रहा है, फिटिंग्स का, मेडिसिन का, वो सब हो रहा है। इसकी वजह से अभी फाइनल डिसीजन ले लिया है, निकालना ही है। अभी बेबी हो गया है, मतलब 6 मंथ्स का भी हो ही जाएगा 2 दिन में। तो अभी क्लिनिक पहुंच के आपसे बात करते हैं, देखिए तब तक आप। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच गए हैं क्लिनिक, और हम लोग का अपॉइंटमेंट था, बट फिर भी थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ा। तो मस्ती कर रहे थे हम लोग, उसके बाद देखा क्या क्या बात कर रही है। और फिर हम लोग थोड़ा वेट करने के बाद में फिर ले लिया इन्होंने। अभी अब तो यहाँ पे जो मैंने दांत का जो निकाला हुआ है उसका भी फोटो डाला है, आप देख सकते हैं। उसमें जो है ना, वो आर्टिफिशियल रहता है ना नस, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, और उसमें जो पिन अटक गया था वो भी दांत के बाहर आ गया। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो छूट रहा था, और फिर स्वेलिंग और इन्फेक्शन हो रहा था। बार बार वो एंटीबायोटिक खाना पड़ रहा था, जो कि मेरे हेल्थ के लिए और बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने जो डिसीजन लिया था डॉक्टर से कंफर्म करके, वो सही था। तो ये निकालने के बाद में, और ये डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से दांत मतलब निकाला, मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ और तकलीफ भी नहीं हुआ। तो जो मैंने डॉक्टर सिलेक्ट किया था, मतलब बहुत सोचने के बाद में, वो भी सही है। मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ कि जो भी डिसीजन मैंने लिया वो सही था। तो अभी ये हम लोग वेट करने के बाद, इन लोग यहाँ से इंजॉय कर रहे थे और मैं अंदर तकलीफ में थी। ठीक है, अभी दांत देखिए, मैंने इसमें फ़ोटो डाला है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अभी निकालते वक्त तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ऐसे क्लिनिक में दूसरे भी पेशेंट्स रहते हैं तो अलाउड नहीं है। तो ये सब मेडिसिन खाने के बाद में मैं आराम कर रही थी, और तनिष्का ने, उसके डैडी ने और कबीर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिर 2 दिन तो मैं रेस्ट में ही थी। तो अभी 3रे दिन में थोड़ा बोल पा रही हूँ, थोड़ा वीडियो में मैं बोली बोल के बताऊँगी तो आपको समझेगा, तो इसके लिए थोड़ा डाला अभी वीडियो मैंने। तो ये फिर डैडी ने संभाला है इसको, बहुत मज़ा आया रहेगा तनिष्का।